जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आलोकी की स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने असम राइफल्स की वैकेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पहले से ही संपूर्ण नॉलेज होगा कि जैसे कि आप लोगों को 11 सितंबर से आप लोगों ने फॉर्म को फिलअप करना स्टार्ट किया हुआ था, जो कि आप लोगों के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी आप लोगों को इस वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल गया था, जिसमें आप लोगों के टोटल जो है 1230 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को जो है 14 अक्टूबर, जी हाँ दोस्तों, 14 अक्टूबर को आप लोगों का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिनमें आप लोगों की वैकेंसी को इंक्रीज किया गया था। ठीक है, तो टोटल आप लोगों की जो वैकेंसी इंक्रीज किए गए थे वो 218 पोस्ट वैकेंसी को इंक्रीज किया गया। तो टोटल आप लोगों की वैकेंसी अगर मैं बात करूँ तो टोटल आप लोगों की 1448 पोस्ट पर वैकेंसी जो है, जिसमें आप लोगों ने जो है ऑनलाइन जो है फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, जैसे ही आप लोगों ऑनलाइन फॉर्म का अप्लाई करने का लास्ट डेट बीता है वैसे ही आप लोगों का जो है एक असम राइफल से नया नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है और उन्होंने भर्ती को रद्द करने के बारे में कुछ कहा हुआ है। ठीक है, तो भर्ती को जो है कितने वैकेंसियों को रद्द किया जा रहा है या पूरी भर्ती को रद्द किया जा रहा है, सारी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। लेकर चलता हूँ आप लोगों को जो है ऑफिशियल पीडीएफ पर और क्या कुछ जानकारी दिया गया है, सारी जानकारी आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी प्रकार से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं लेकर चलता हूँ पीडीएफ पर और वहीं सारी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं 25 अक्टूबर का यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स शिलोंग जो है दिया गया है, यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कैंसिलेशन फॉर रिजर्व स्टेट कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट ऑफ वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी अलॉटमेंट किए गए थे, स्टेट वाइज है, उन वैकेंसी को जो है यहाँ पर ये लोग जो है वैकेंसी को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो किन किन वैकेंसियों को कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 11 सितंबर को आप लोगों ने जो है एम्प्लॉयमेंट में आप लोगों की वैकेंसी दिया गया था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में है, जब से आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को एक वैकेंसी को जो है इंक्रीज जो किया गया था वो 14 अक्टूबर को वैकेंसी को इंक्रीज किया गया था। न्यू नोटिफिकेशन जारी करके यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ था कि हम जो आए हैं 218 पोस्ट को और जो है वैकेंसी को ऐड कर रहे हैं, जिसको लेकर जो है टोटल आप लोगों की वैकेंसी जो है 1448 पोस्ट पर हो जाएगी। ठीक है, तो इसी जो है वैकेंसी को जो है इन्होंने बता रखा है, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कि 14 अक्टूबर को जो वैकेंसी इन्होंने जो है इंक्रीज किया हुआ था उसी वैकेंसी को जो है, ठीक है, उसी वैकेंसी को यहाँ पर जो है कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग साफ साफ दिया गया है 14 अक्टूबर को जो वैकेंसी आई हुई थी उसको जो है कैंसिल कर रहे हैं। साथ साथ एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर में जो आप लोगों को वैकेंसी दी गई थी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर में आप लोगों को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, 1230 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी जिसमें आप लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया हुआ, तो वो वैकेंसी बिल्कुल जो है सेम रहने वाली जिसके बारे में यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल चुकी है। इनका साफ साफ कहना यही है कि इन्होंने जो है बाद में वैकेंसी को जो इंक्रीज किया गया था वही वैकेंसी को जो है कैंसिल कर रहे हैं, बाकी आप लोगों की जो वैकेंसी है जो 1230 पोस्ट पर है ये वैकेंसी आप लोगों की बरकरार रहेगी। इसकी आप लोगों के फिजिकल भी होंगे, एग्जाम होंगे, सारे प्रोसेस कराए जाएंगे हैं, लेकिन जो इन्होंने जो एक्स्ट्रा पोस्ट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बताया हुआ था जैसे कि 218 पोस्ट को इंक्रीज किया हुआ था, तो यही 218 पोस्ट आप लोगों की नहीं रहेगी है, बाकी आप लोगों की जो है 1230 पोस्ट की वैकेंसी आप लोगों की सेम टू सेम रहने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी जानकारी मिल चुकी है। यदि इसके संदर्भ में आप लोग कोई भी डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे ही नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।